क्या हालचाल दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा हंसी का भी माहौल है और थोड़ा सा दुख वाला भी माहौल है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हैं हम सारे लोग। पर यहाँ पे एक इमोशनल मोमेंट भी आता है, जहाँ पे काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना T20 आई से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और काफ़ी एक ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने अपने पूरे क्रिकेट जर्नी के बाद जो सफ़र टीम इंडिया के साथ किया, उस सफ़र को इस मैच के साथ एंड कर दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा तीन ऐसे प्लेयर के जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो पहले नंबर पे आते हैं विराट कोहली एंड दूसरे पे आते हैं रोहित शर्मा। तो ये दो बड़े नाम थे जो बहुत बड़े दिग्गज है क्रिकेट के राइट नाउ, तो उन लोगों ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं सर जडेजा, जिसको हम T20 के काफ़ी तेज प्लेयर मानते हैं और काफ़ी ऑलराउंडर की जो कैटेगरी होती है उसमें सबसे टॉप पे आते हैं वर्ल्ड में, और टॉप रैंकिंग पे भी है राइट नाउ। पर उन्होंने भी इस चैम्पियनशिप होने के बाद, T20 चैम्पियंस बनने के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है हम सबके लिए, और काफ़ी ऐसी भी मानी जाती है कि चैम्पियन बनने के बाद हर कोई अपना जो जर्नी है उसको एंड करना चाहते हैं। आप चैम्पियन बनते हो और उसके बाद अपनी जर्नी को एंड करते हो तो बहुत बड़ी बात है, पर चैम्पियन बनने के बाद भी आप जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हो तो थोड़ा रुखा सुखा हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल को देखते हुए उन लोगों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और ODI का बोलूँ तो ODI में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और टेस्ट में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारे फॉर्मेट है जो लंबे फॉर्मेट है उनमें थोड़ा सा स्लो खेल के वो अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। पर राइट नाउ जो क्रिकेटर भी नहीं है रेडले, मतलब अभी टीम इंडिया में नहीं है, पर टीम इंडिया को लीड करते थे, अपने प्लेयर्स को रेडी करते थे, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन टीम के कोच राहुल द्रविड़, तो उन्होंने भी अपना जर्नी को एंड कर दिया, क्योंकि इस मैच के जीतने के बाद उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट है जो अनाउंस कर दिया है। तो अब टीम इंडिया को कोच नहीं करेंगे, अब उनकी जगह पे कौन आएगा वो तो अभी सस्पेंस है, पर हमको आगे देखने को मिलेगा। पर ये थी जो दो बड़ी बात कि चैंपियन बनने के बाद जो इमोशनल मोमेंट आया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ, इसलिए मैंने बोला कि इसको वीडियो तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी मैचों का वीडियो बनाया, फाइनल का वीडियो बनाया, तो ये क्यों बच जाए भाई। तो हमने सोचा कि ये भी आपको बता देते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये थोड़ा सा नॉलेजफुल और हेल्पफुल लगा हो वीडियो। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर फॉलो तो कर ही लेना, और कमेंट भी पास कर देना, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो लेट्स गो, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।